तूने एंगेजमेंट कर लिया और हम सबको बुलाया भी नहीं, और अब अपने फियांसी का फोटो भी नहीं दिखा रही। हद है यार। ऐसा तो नहीं कि वो इतना हैंडसम है ना कि तू डर रही है कि कहीं हम में से उसे यार। प्लीज गाइस, ऐसा सोच भी नहीं सकती मैं। अरे तेरा फियांसे। क्या बात है, अब दूर से ब्लश करेगी क्या? जा और जाके उसे हाय बोल। जा ना, जा। ओके। सारा, कौन है वो लड़की? पता नहीं यार, लेकिन तेरी और उसकी तो एंगेजमेंट हो गई है ना, वो ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? How disgusting, really? Wait, I'll go and ask. No, 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 please. तुम लोग प्लीज उससे बात मत करना, मैं खुद उससे बात करूंगी। मैं ऐसे यहाँ कॉलेज में सबके सामने कोई इशू नहीं करना चाहती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छी फैमिली मिली है हमें। अच्छा ये बता, कॉलेज में समय से मुलाकात हुई थी? कुछ बात हुई? जी अम्मी, हुई थी ना। अच्छा हुआ। समय की अम्मी बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी पता नहीं समय सारा से बात कर पाएगा या नहीं। मैंने कहा आपने अपने बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दी है तो हमारी बच्ची के सामने अच्छे से पेश आएगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? अभी वो कॉलेज की कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही है, कुछ भी नहीं। अच्छा तू जा, हाथ मुंह धो ले। मैं जल्दी से खाना तैयार करती हूँ। जी अम्मी। जा बेटा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। हाय सारा, गुड टू सी यू, हाउ आर यू? एनीवे, सारा, मीट रिचा, शी इज माय गर्लफ्रेंड एंड दिस इज सारा माय फियांसे। वाओ, बहुत लकी हो तुम, जो तुम्हें इस समय जैसे बंदे से कमिटमेंट मिला। लकी गर्ल यू नो। समय या? मैं 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्यों? I mean, सारा, यही बोलो क्या बात है सबके सामने? या? वैसे भी सारा, हमारा जो कुछ भी है वो आउट इन द ओपन है सबके सामने, अकेले में जाने का क्या फायदा? सारा, I just hope कि तुम ये सिचुएशन समझ रही हो। यू नो आई एम लिटिल बिजी। या नहीं, मैं ये सिचुएशन नहीं समझना चाहती। और अगर ऐसा ही था तो मुझसे एंगेजमेंट की ही क्यों? Come on, chill. सारा, why are you making a big deal out of it? और वो भी सबके सामने, और इसमें मेरी गलती नहीं। मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे थे तुमसे एंगेजमेंट करने के। अगर मेरी मर्जी चलती ना तो आई स्वेयर मैं तुमसे अपनी लाइफ में कभी एंगेजमेंट नहीं करता। भले मैं रिचा या कॉलेज की किसी भी लड़की से कर लेता, बट तुमसे तो बिल्कुल भी। कर लेते इनमें से किसी से एंगेजमेंट, मुझसे एंगेजमेंट क्यों किया? नाटक क्या कर रही हो तुम, ये रोने धोने का? और सबके सामने फोन करने का सीन ओवर। और वैसे भी यार ये एंगेजमेंट होना टूटना, निकाह होना टूटना, इट्स वेरी कॉमन, बहुत होता है आजकल, समझी तुम? तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? हाँ तुम्हें, हे प्लीज, तुम मेरी बात सुनो। क्या बर्बाद किए मैंने?
और तुम्हें वजह जाननी है ना तो वजह सुन। मेरी दादी बीमार, कैंसर के लास्ट स्टेज पे है वो, और तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में पता क्या है? वहां मेरे घर वाले मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं और यहां तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली सारा, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और एक बात बता, हमारे निकाह में अभी 10 महीने है ना, राइट? और मुझे नहीं लगता मेरी दादी 10 महीने तक रह पाएंगी इस दुनिया में। जिस दिन मेरी दादी इस दुनिया से गई, उस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता दिखाना रिश्ता दिखाता। I just hope and pray for you कि तुम्हें तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट मिले, मुझसे नहीं होगा। एनिया, सारा एक बात कहूं, इस दुनिया में मिस्टर परफेक्ट जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मिस्टर परफेक्ट होता है, और जिस दिन मैं अपने मिस्टर परफेक्ट से मिलूंगी ना, मैं जरूर मिलाऊंगी। तो क्या ना, मिस्टर समय अंसार। यार ये एंगेजमेंट होना टूटना, निकाह होना टूटना, इट्स वेरी कॉमन, बहुत होता है आजकल। जिस दिन मेरी दादी इस दुनिया से गई, उस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खत्म। सारा सारा रो मत प्लीज, सीसी प्लीज डोंट क्राई। जैसे मैं समय का दोस्त हूँ वैसे तुम्हारा भी दोस्त हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ? क्या बताऊँ मैं तुम्हें, तुम थे ना वहां। अरे समय ने मुझसे कैसे बिहेव किया, शायद ये मेरी गलती कि मैं इतनी खुश थी सब चीजों को लेके, एक्साइटेड थी। सारा गलती तुम्हारी नहीं, समय के इस अजीब बिहेवियर की वजह तुम हो ही नहीं, तो ये ब्लेम तुम खुद पे मत लो। समय आजकल किसी से भी ठीक से बात नहीं करना चाहता, वो हर एक इंसान से नफरत करता है और सबसे ज्यादा नफरत करता है तो लड़कियों से। बट उसके मन में तुम्हारे अगेंस्ट पर्सनली कुछ है ही नहीं, ट्रस्ट मी। फिर उसने ये सब किया क्यों? कि कभी कभी लोग दूसरों को उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह उन्हें ट्रीट किया गया है। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ समय के बारे में। 2 साल पहले जब हमने कॉलेज ज्वाइन की थी, यू कैन सिट हियर, ये सीट खाली है। हाय, आई एम अदिति कौशिक। समय अंसारी। चलोगे ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा। यू नो गाइस,
मूवी टिकट्स, शाहरुख की मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो चलें। क्या बात कर रहे हैं रे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो दोस्त है यार मेरा। कासिम ली ले आया शाहरुख खान की मूवी, योर फेवरेट हीरो, लेट्स जस्ट गो। यार थ्री ऑफ अस गाइस, वो को मिस करना पड़ेगा यार। बेबी आई एम सो सॉरी, मेरे कुछ और प्लान्स है यार, तुझे पहले बताना चाहिए था ना यार। ठीक है तू चल। यार रेश तू एक काम कर, तू ना अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ चले जा, मैं और अदिति ना बाद में देखेंगे। अच्छा अदिति वो रिश्ना ऋषभ वो ना कल तुम्हारे फेवरेट हीरो शाहरुख खान की मूवी देख के आया, वो बता रहा था कि क्या मूवी थी, यू नो सब कुछ अच्छा था लेकिन एसआरके का परफॉर्मेंस, मतलब क्या परफॉर्म किया इसने यार। तुमने फिल्म देख ली? हाँ। अच्छा बेबी किसके साथ देखी, ऋचा के साथ या सलोनी? नहीं वो राहुल ने दो टिकट बुक करा ली थी तो मैं उसका चल गई। अदिति अदिति मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरा फोन वापस कर दो। दे रहा हूँ बेबी, दे रहा हूँ, ये लो ये लो। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने राहुल के साथ मूवी क्यों देखी? क्यों का क्या मतलब होता है? ओके बेबी रिलैक्स, लेकिन बेबी तुम मुझे बता तो सकती थी ना कि तुम राहुल के साथ मूवी देखने जा रही हो। हाँ बेबी कल को हमारी शादी होगी, तुम एकदम बोल दो कि नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे राहुल या किसी के साथ शादी करनी है, तो बेबी ऐसा। ओह गॉड आर यू फॉर रियल राइट नाउ, ये शादी वादी का टॉपिक कहाँ से आ रहा है? अदिति शादी का टॉपिक इसलिए आ गया बिकॉज आई रियली लव यू, पर मुझे लगा था कि तुम भी वही फील करती हो जो मैं फील करता हूँ, और हम फ्यूचर साथ में बिताएंगे। क्या फ्यूचर, लाइक सीरियसली हम लोग अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, अभी ये हमारा एंजॉय करने का टाइम है यार, मतलब तुम कहाँ चले गए हो ये फ्यूचर देखने? व्हाट बेबी, अभी जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अगर कमिटमेंट कोई बुरी बात तो नहीं है ना? प्रॉब्लम है, मेरे मॉम ने तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें सेम कम्युनिटी का लड़का चाहिए। बेबी मैं कन्विंस कर लूंगा, मैं मना लूंगा उन्हें, प्लीज कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी सिर्फ लाइफ एंजॉय करनी है, मेरे को अपनी कॉलेज डेज एंजॉय करने हैं, भले वो तुम्हारे साथ हो राहुल के साथ हो या फिर किसी और के साथ हो, आई रियली डोंट केयर, आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ। ओके बेबी ठीक है, बट लिसन टू मी बेबी, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्टॉप इट यार, अपना ये ड्रामा बंद करो, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आया कि मुझे कोई सीरियस चीज नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ, और अगर तुम्हें सच में कोई सीरियस गर्लफ्रेंड चाहिए ना तो किसी और को ढूंढो, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट लव यू। अदिति अदिति कहते हैं पहला प्यार बुलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें पता है उससे भी ज्यादा मुश्किल क्या होता है, पहला हार्ट ब्रेक बुलाना। सैम के लिए आदित्य को बुलाना इम्पॉसिबल हो गया था, उसने बहुत वक्त लिया इस सब से बाहर निकलने में, अपने आपको पूरी तरह हील करने में, इस सब समय में कहीं ना कहीं वो खुद ही बदल गया, वो पहले वाला स्वीट सा इनोसेंट सा सिंपल सा सैम रहा ही नहीं। समझ सकते हैं उसकी हालत। सारा मैं ये नहीं कह रहा कि उसने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सही था, वो बहुत गलत था, he was 100% wrong, पर उसे इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, एक गुस्सा उसके अंदर रह गया जो वो कहीं निकाल ही नहीं पाए, वो किसी से भी क्लोज होने से पहले अब डरता है। एनीवेज मैं चलता हूँ, यू टेक केयर ओके, सी या।
आप लोगों को लिटरेचर पे असाइनमेंट लिखना है, ओके? आज से आप सबको यहाँ 6 घंटे बैठना है, सारे बुक्स देखिए और कोई भी एक बुक पढ़िए और उसमें से 5000 वर्ड्स में मुझे लिख के चाहिए और सारे असाइनमेंट्स आपके सबमिट हो जाने चाहिए टाइम पे, वरना सारा साल डिटेंशन में निकल जाएगा, ओके? बट मैम, द थिंग इज, डोंट यू थिंक दैट 5000 वर्ड्स आर टू मच? नो एक्सक्यूजेस, प्लीज प्लीज मैम, मैम। हे, ये लो, अजीब हो क्या? Like seriously this book? हाँ? हाँ, क्यों? सारा, अगर इस बुक को मैं 5 साल भी पढ़ूंगा ना, तब भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अब सारी मोटी बुक्स ये बुक देखो, बहुत अच्छी है और तुम्हें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। सारा, रिवेंज ले रही हूँ। मैं 30 साल का हो जाऊंगा ना, तब भी ये बुक खत्म नहीं होगी। यू डू योर वर्क, आई विल मैनेज, ओके? अब नहीं, अब समय, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं तुम्हें इस किताब की कहानी सुना दूं, फिर तुम अपना असाइनमेंट भी लिख सकते हो। नो थैंक्स। Arabian Nights, Ali Baba. वैसे कितना टाइम लगता है एक स्टोरी कंप्लीट करने में? ज्यादा देर तो नहीं लगती। अच्छा, क्या बात है। सो शुरू करें? सब लोग पढ़ रहे हैं और तो पीछे चलो। तो ये कहानी शुरू होती है कहाँ से?